राम राम किसान भाइयों। जैसा कि अभी मैं खीरे की फसल में खड़ा हूँ और आज ये बरोबर 20 दिन की हो गई है और इसकी बेल की कंडीशन पूरी आ गई है, स्प्रिंग छोड़ दिए है पूरा और इसने ब्रांचिंग भी ले रखी है। ये पूरी हर बेलों ने ब्रांचिंग ले रखी है और इसमें स्प्रे भी चल रहा है और खाद भी चल रहा है, इसलिए आपको खीरे का फुटाव आप देख सकते हो और उसकी कंडीशन देख सकते हो, एक सार एक समान और एक साथ उठावे। और आज बारिश का मौसम भी हो रहा है, वैसे रोज़ ही बारिश हो रही है, एक दो दिन छोड़ के ये मतलब थोड़ा गीला रहता है ना फिर सूखा जाता है। तो इसी के बारे में हम खीरे के बारे में बात करेंगे आज। अभी हमारे कामकाज की वजह से हम खेत में बहुत कम आ पाते हैं, नर्सरी का काम बहुत तगड़ा है हमारा तो उसमें हम लगे हुए हैं हमेशा, और मज़दूर की भी दिक्कत आ रही है, मज़दूर 25-30 मज़दूरों से भी काम नहीं हो रहा है हमारा। तो इसीलिए अभी कल हमने गड्ढे का ठेका दिया था, जैसे कि हम गड्ढा देखेंगे ये यहाँ पे होल कर दिए पूरे खेतों में, ये 3 फीट ऊंडा है गड्ढा, ढाई फीट ऊंडा है और लगभग 7-7 फीट में हमने बांस लगाया। अभी इसमें पानी चला के इसको दबाना और इसमें मिट्टी भी भरवाना आसपास सारे खेतों में। अब कल से तार धागे का काम चलेगा, कल वाली वीडियो भी आएगी, जो आज वाली वीडियो है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा हमें फॉलो करते रहें। और अब तार बांस करने के लिए अभी इसमें हम खूंटे गाड़ने पड़ेंगे, जैसे गाय भैंस को कैसे बांध दे खूंटे बांधने पड़ते हैं क्योंकि ये भी दूध देने वाली है, तो इसको भी एक खूंटा यहाँ पर गड़ेगा, तान देनी पड़ेगी, एक तान उधर देनी पड़ेगी। और इसमें दो डिस्को तार ले गए, वो जो रहता है ना अपना सुतली तार वो लेंगे, फिर एक हेवी तार लेंगे। और खाद वाद भी चलाना है, कल दवाई भी छिड़काव करना है, उसकी सारी टोटल वीडियो यूट्यूब पे आएगी। और 20 से 22 दिन के पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हो, इतना भारी होगा ये खीरा कि आप देखोगे वाकई में कि हम खेती करते हैं, क्योंकि और के भी जो हमारा पिछले साल जो हमारा लगा हुआ था खीरा ऐसी ही कंडीशन पे था और इतना जबरा हुआ था, सारे तार बांस हमारे नीचे कर दिए थे उसने, सारे में कीची लगाना पड़ा था हमारे को। और इस बार भी हमने पहले 10 फीट पे लिया था, इस बार 7 फीट की दूरी है, इस पर नीचे जो बैठते हैं तो खेत बिल्कुल भरा भरा दिखता है और बहुत मस्त हो रहा है। और पूरी बेल की बेलें भी नीचे आने की कंडीशन में भी वैसे आड़ा नहीं पड़ा है हमारे खीरे की, वो भी देख सकते हो आप, पानी का मेजरमेंट हम जमा के रखते हैं, पौधा कितना तना कितना हेवी है इसका देख सकते हो, उंगली का उंगली जैसा है बिल्कुल देख सकते हो ये, और अभी आड़ा नहीं पड़ा, इतनी हवा चल रही है देख सकते हो आप। और ऐसी अच्छी जानकारी लगे, अच्छी वीडियो लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम किसान भाई।